मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 23 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि रामगढ़ताल से पैडलेगंज तक जनपद स्तर पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, इसके लिए सभी विभाग अपनी पूरी तैयारी सूचित करें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि कक्षा 8 से ऊपर उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं और आम जनता को मानव श्रृंखला में प्रतिभाग करने हेतु जागरूक किया जाए। साथ ही उन्होंने जनपदवासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर भी मानव श्रृंखला बनाई जाए तथा इसके लिए ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय में एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कक्षा भी चले। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए युवा वर्ग को विशेष रूप से जागरूक करना होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं NHAI को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना के स्थलों एवं कारणों का जांच करके उसको ठीक कराया जाए। वहीं RTO अनीता सिंह ने कहा कि मानव श्रृंखला हेतु सभी लोग प्रातः 10 बजे चंपा देवी पार्क में एकत्र होंगे और 11:30 बजे सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CDO संजय कुमार मीना, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, RTO अनीता सिंह, SDM सदर नेहा बंधु, CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि सर जो है हमें एक ये बुधवार से लेके अंदर तक पूरा का पूरा ये देवरिया मोड़ तक जो है ना वहाँ तक पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि छोटे बच्चे भी उसमें होंगे, खासकर छठी क्लास के। सर कितना छोटे बच्चों को लेना है? मतलब छठी क्लास से, क्लास 6 से सर, क्लास 6 से जो है 12 से बच्चे पढ़ाएंगे। तो बच्चों को लेना जरूरी है। तो संख्या सर अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 20-25 हज़ार की। तो इसके लिए ठीक है सर, अगर उनके टीचर्स आते हैं तो 6 के बच्चों को, बट 6 के बच्चों को जितने हमारे और ऑफिसर हैं उनके कर्मचारी जिनको हम आसानी से बुला सकते हैं। अभी सबको बात किया जा रहा था, जैसे DSO से बात किया गया, उनके शहर में ही लगभग 200 कोटेदार हैं। हर आदमी भी अगर कोटेदार अगर 10 आदमी भी ले आएगा अपने क्षेत्र से, दल कार्ड अगर ले आएगा तो 2000 आदमी के हो जाएंगे, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम कुछ चल रहे हैं बच्चों के। तो 10th और 12th को स्किप करेंगे, 9th और 11th के बच्चों को लाने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 5000 की संख्या बता रहे हैं हम कर देंगे। बेसिक सर, तो सर वही 4 मीटिंग में यूनिवर्सिटी की परीक्षा है, हम अपनी ओर से मैक्सिमम कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनको तो बस वही एग्जाम है सर, 1-1 घंटे का जो गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी से जुड़े हुए लोग उनको बुला लो, उनको भी ये टाइम है तो आसे उनको सबको जैकेट भी दिए गए हैं, आई थिंक तो जैकेट बाकी NCC NSS वाले जो है NCC के बच्चे आ गए हैं। NCC के ठीक है, गाड़ी चलाने के समय ठीक है किस तरीके से होना है, सड़क सुरक्षा को लेकर के वो कभी कभी आपने वो बैंगलोर में देखे होंगे जो एम्बुलेंस लेकर आ रहे थे तो किसी पेशेंट को खुद इतना स्पीड से आ रहे कि वो अंदर जो थे सीरियस वो तो गए ही गए, उनके साथ जो बगल में बैठे वो भी परेशान हो गए थे। ठीक है, मतलब दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, थोड़ा हम लोग इन लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विभाग जो है बहुत ही कम स्टाफों के लिए, मेरा अनुरोध यह है कि एक तो आप आपके डिपार्टमेंट का लोगों को आज वहीं पे उस दिन शपथ दिला दीजिए। ठीक है, सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपकी जो स्टाफ की जो घर की बच्चे होते हैं उन सबको इकट्ठा करा करके ये थोड़ी देर के लिए भी आज उनको 5-10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए भी थोड़ा मार्गदर्शन जैसा कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया। ठीक है, और
स्कूलों में मैं चाहूँगा कि सर उस दिन कम से कम एक क्लास सभी स्कूल्स के लिए डायरेक्शन चले जाए कि कुछ अच्छे वीडियोस हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, वो सब स्कूल्स की जितने भी ऑडिटोरियम्स होता है वहाँ पे जैसे है वहाँ दिखाने के लिए सुविधा हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये करा दें ट्रैफिक बंद करने के लिए उसका न्यूज़पेपर्स में तो 350 के करीब लगे हैं हमारे। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा केवल एक तो पहले शपथ दिला दीजिए, दूसरा उन लोगों को उनको क्योंकि एक बहुत बड़ा ये अभियान जैसा चलना चाहिए। कोविड में पिछले 3 साल में करीब 21,000 कुछ लोगों का डेथ का मतलब टोटल वो था, बट हर साल एक्सीडेंट के वजह से वी आर लूजिंग मोर देन 24,000 लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में हम लोग खो रहे हैं।